हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरआई क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका लेसन 3 मैंने पढ़ा दिया था। तो लेसन 3 का नाम था वैद्युत विभव। आज ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र क्या होता है? परावैद्युत। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर और परावैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले संधारित्र और परावैद्युत को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे चालक, अचालक, कुचालक, ये सब क्या होते हैं, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में। देखिए, सबसे पहले चालक, चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? चालक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ, ये लिख दें डायरेक्ट, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर आदि, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। और जो चालकों में वैद्युत चालन होता है, यहाँ लिख देंगे, तो चालकों में, जब चालकों में धारा बह जाती है, और जिन चालकों में धारा बहती है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा, कई सारी धातुएं हैं जिनमें धारा बह जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है? जिसमें धारा बहती है, घटना वैद्युत चालन कहलाती है। तो चालकों में जो वैद्युत चालन होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसी कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मेन पॉइंट ये याद रखना है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ये हो गया नंबर। दूसरी बात, अब बात करें हम किसकी? अचालक की। अचालक क्या होता है? अचालक को क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। अचालक को कुचालक भी कहते हैं, कुचालक, या इसको परावैद्युत भी कहते हैं, परावैद्युत, या इसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं। ये चार नाम हो गए, और एक ही डेफिनेशन में चारों नाम, अचालक, कुचालक, परावैद्युत, विद्युत रोधी, ये क्या होते हैं? सेम, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसका मतलब एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या हो जाएगा? रबर, कांच, प्लास्टिक, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ये तो नॉर्मल जानते हो। लेकिन इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि रबड़, कांच, प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? क्योंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो चालक की डेफिनेशन क्या थी? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कांच, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर। और चालकों में वैद्युत चालन इसलिए होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अचालक को कुचालक, परावैद्युत, विद्युत रोधी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सबसे पहली बात ये। तो ये चालक और अचालक के बारे में पढ़ने पहले अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता, सबसे पहले धारिता पढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लेंगे हम लोग।
देखो बेटा, धारिता क्या होती है? धारिता कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस। तो देखो धारिता की परिभाषा क्या हुई कि मान लो कोई चालक है, इस चालक को आपने क्यू कूलाम आवेश दिया, किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश दिया और उसके विभव में वृद्धि क्या हुई? वी। उसके विभव में वृद्धि क्या हुई? तो इसकी परिभाषा हो गई कि किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि वी वोल्ट हो, यानी उसको किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे लिख दो लाइन से, यहाँ पे किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यू क्या है? आवेश। वी क्या है? विभव में होने वाली वृद्धि। विभव में होने वाली वृद्धि, तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी क्यू प्रोपोर्शनल वी। अब प्रोपोर्शनल यानी ये अनुक्रमानुपाती नितांक जब भी हटाते हैं और इसकी जगह हम इक्वल लगाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट फिक्स होता है, वो कांस्टेंट आएगा। इसमें वो कांस्टेंट आएगा सी। क्या आएगा बेटा? सी, कैपिटल सी। क्यू इक्वल टू सी वी, जहाँ सी क्या है? सी है धारिता। जहाँ सी एक नितांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अब हमें धारिता की वैल्यू निकालनी है तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। ध्यान सुन लो बेटा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने लिख दिया Q प्रोपोर्शनल V। प्रोपोर्शनल हटाया, C लगाया, V, Q बराबर सी वी। सी बराबर आ गया Q बटे V। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, यानी कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फैराड। क्या हो जाएगी बेटा? फैराड। तो धारिता के मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड। ये अब धारिता की परिभाषा क्या बन गई कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। परिभाषा क्या बन गई? धारिता की यहाँ लिख दे रहे हैं, सी बराबर क्यू बटे वी निकला, इससे परिभाषा बन गई। किसी चालक को, दिया गया आवेश यानी क्यू तथा उस चालक के उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की, धारिता कहते हैं। उस चालक की धारी कहते हैं। इस फार्मूले डेफिनेशन निकल गई। सी बराबर क्यू बटे वी है, जहाँ क्यू क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश। वी क्या है? विभव में होने वाली वृद्धि। तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं और फार्मूला यही हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। मात्रक हमने बता दिया कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड। जहाँ सी क्या है? सी एक नितांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इतना नोट करें आप लोग। नोट कर लिया इतना बेटा? ठीक। अब देखो फैराड, इसका मात्रक क्या गया? फैराड। फैराड व्यवहारिक रूप से धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फैराड जो धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है, फैराड। पहली बात तो फार्मूले से आया कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड, और इसको अलग इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे पहला हो गया माइक्रो फैराड। क्या हो गया? माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड को डिनोट करते हैं
म्यू एफ से, वन म्यू एफ इक्वल टू होता है 10^-6 फैरड। अगर हम कहें पिको फैरड तो पिको फैरड होता है पी एफ पिको फैरड, ये होगा 10^-12 फैरड। ये धारिता के अलग मात्रक है। अब हम लोग इसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले इसका विमीय सूत्र और देख लेते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा। इसके बाद इसकी विमा देखते हैं, विमा देखने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। धारिता की विमा तो विमा निकालने के लिए फार्मूला याद हो, धारिता का फार्मूला क्या हुआ है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। हम लोग जानते हैं कि जो क्यू वी होता है, वी बराबर होता है डब्लू अपॉन क्यू, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्लू। क्यू की विमा होती है 80, डब्लू की होती है ML2T-2। ठीक है बेटा, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा m-1, l ऊपर जाएगा l-2, t ऊपर जाएगा t स्क्वायर t^4 और a स्क्वायर, ये धारिता की विमा आ जाएगी। ये धारिता की बेटा क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। अब एक फैरड की परिभाषा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक फैरड की परिभाषा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एक फैरड की परिभाषा के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। धारिता की परिभाषा से, फार्मूले से सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। अगर हम C को मान लें 1, क्या मान लें, 1 फैरड, आवेश होता है Q, आवेश को 1 मान लें, 1 कूलाम। V है विभव में होने वाली वृद्धि, V को भी मान लें 1, सबको 1 मान लें अगर 1 वोल्ट, तो एक फैरड की परिभाषा क्या बन जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उसे उस चालक की उस ओ तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। लिख लो यहाँ पे कॉमा इन्वर्ट कॉम करके, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता एक फैरड होगी। फिर समझ लो, सी बराबर क्यू बटे वी था, सी को मान लिया 1 फैरड, क्यू को मान लिया 1 कूलाम, वी को मान लिया 1 वोल्ट, तो बस किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। इसे नोट करिए आप लोग।